नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार 16 सितंबर की शाम अचानक से अपनी कप्तानी के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला कर लिया। अपनी T20 कप्तानी को लेकर कोहली ने बड़ा ऐलान करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने T20 प्रारूप की कप्तानी से इस्तीफा देने की बात कह दी। विराट कोहली ने अपने बयान में साफ किया कि 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक UAE में खेले जाने वाले T20 विश्व कप के बाद भारत के लिए T20 प्रारूप में वो कप्तानी नहीं करेंगे। हालांकि बतौर खिलाड़ी और बल्लेबाज वो टीम के साथ जुड़े रहेंगे। विराट कोहली टेस्ट और वनडे में टीम की कप्तानी करते रहेंगे। आपको बता दें, इसके बाद कोहली की कप्तानी छोड़ने को लेकर कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई। इस बीच 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया से बर्थडे पर शुभकामनाएं मिल रही हैं। इस बीच टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। विराट ने ट्विटर पर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां दे। आपको बता दें, पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। आज देश भर में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ कोरोना के टीके लगाने की तैयारी की गई है। गौरतलब है कि पीएम मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। विराट कोहली ने गुरुवार को T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय T20 टीम से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कोहली कप्तानी में भारत ने 45 T20 इंटरनेशनल मैच खेले, इसमें से भारत ने 27 मैच जीते, वहीं 14 T20 गंवाए हैं। 2 मैच टाई रहे हैं, वहीं 2 मैचों का नतीजा नहीं निकला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।